हेलो एवरीबॉडी कैसे हो सभी आज की इस वीडियो के अंदर मैं करने वाला हूँ ओर यानी कि माइटीन रोमांटिक कॉमेडी स्नेफू का हिंदी एक्सप्लेनेशन इस एनिमे के जौन रहा है रोमांटिक कॉमेडी और स्लाइस ऑफ लाइफ ये काफी ज्यादा कमाल का एनिमे है और साथ ही साथ इस एनिमे की काफी ज्यादा डिमांड भी थी और मैं इस एनिमे को जल्दी ऐसी जल्दी एक्सप्लेन करने आला हूँ इससे पहले की एक्सप्लेन करना शुरू करूँ आप लोग जल्दी ऐसी चैनल को सब्सक्राइब कर लो मुझे उम्मीद है की आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं एपिसोड के शुरुआत में हमें एक टाइटल को दिखा जाता है जिसमें लिखा रहता है यूथ इज अ इट इज ईवल और फिर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपने क्लासरूम के अंदर बैठा रहता है और वो अपने चारो लोगों को देखता है और उसके बाद हंसने लगता है और वो वहाँ से उठता है और कहीं जाने लगता है और उसके बाद वो कहता है की जो लोग कहते हैं की वो लोग यूथ होना इंजॉय कर रहे हैं वो खुद से और बाकी सबसे झूठ बोले रहते हैं उसके बाद वो कहता है की वो लोग अपने इवेंट और एन्वायरमेंट को जो की उनके आस रहता है उसे इस तरीके से मोल्ड कर देते हैं कि यूथ को एक तरीके से सेल्फ कंफर्मेशन मिल जाए फिर वो कहता है कि ये लोग यूथ के नाम पे जिंदगी की किसी भी घटना को इस मोल्ड के अंदर फिट कर देंगे और वो कहता है कि इन लोगों के लिए लाई सीक्रेट सिंस एंड फेलियर्स सभी जिंदगी के मजे हैं। उसके बाद वो कहता है कि फ्रेंड बनाने में कौन फेल हुआ है मैं तो नहीं हुआ हूँ तभी वहाँ पे दो लड़के दौड़ते हुए आते हैं और वो उसे टकरा जाते हैं और इससे उसका पेपर गिर जाता है और उसके ऊपर एक लड़का पैर रख देता है फिर वो अपना पेपर वहाँ से उठाता है और जाने लगता है अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो कहीं पे खड़ा रहता है और अजीब सा चेहरा बनाया रहता है तभी वहाँ पे उसकी एक टीचर कहती है की हेकी गाया देखो यहाँ पे और उसके बाद उसकी टीचर कहती है की तुम्हारी आँखें एक मरी हुई मछली जैसी है और उसके बाद उसकी टीचर कहती है की मैंने तुमसे क्या लिखने के लिए कहा था क्लास के अंदर उसके बाद एक ही जवाब देता है की उसे एक ऐसे लिखना था अपने हाई स्कूल लाइफ के ऊपर उसके बाद उसकी टीचर कहती है तो फिर ये क्या है उसके बाद एक ही जवाब देता और कहता है यही सच्चाई है उसके बाद हेकी गाया की टीचर उसे एक ताना मारती है और बदले में एक ही भी उसे एक ताना मार देता है हिकी गाय का ऐसा जवाब देने से उसकी टीचर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि मेरे साथ स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो उसके बाद उसकी टीचर थोड़ी सी शांत होती है हो और कहती है कि तुम पता ही कैसे बच्चे हो उसके बाद हिकी गाया कहता है कि अगर मैं बच्चा हूँ तो यानी कि आप मुझसे काफी ज्यादा बड़ी हैं ये सुन के हेकी गायक की टीचर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसके बगल में एक पंच मार देती है और वो कहती है कि तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं है कि किसी औरत की उम्र के बारे में बात नहीं करते अपनी टीचर को इतना ज्यादा गुस्से में देख के हेकी गाय भी काफी ज्यादा डर जाता है और उसके बाद वो कहता है ठीक है मैं इसे दोबारा लिखूंगा और उसके बाद हेकी गायक की टीचर उससे कहती है कि तुम क्या मेरे साथ एक मिनट के लिए चल सकते हो और उसके बाद हमें दिखाया जाता है की उसकी टीचर उसे एक रूम के अंदर लेके आती है जहाँ पे एक लड़की बैठी हुई रहती है लड़की को देख के कहता है ये तो वही लड़की है ना जो की क्लास के अंदर हमेशा अकेले रहती है और इसका नाम यूकी है उसके बाद हिकी गाया भी अपना नाम और क्लास बताता है और उसके बाद उसकी टीचर कहती है की तुम्हारी पनिशमेंट है की तुम्हें इस क्लब को ज्वाइन करना होगा उस अजीब से ऐसे को लिखने के बदले में गाया इस बात से जरा सा भी खुश नहीं रहता है लेकिन उसकी टीचर कहती है इन सब का कोई फायदा नहीं तुम कितना भी मना कर लो लेकिन तुम्हें ऐसा करना ही होगा उसके बाद हिकी गायक की टीचर यूकी से कहती है कि तुम्हें इसके रेवेल्यू बिहेवियर और उसकी पर्सनैलिटी को सुधारना है लेकिन यूकी मना कर देती है और कहती है की ये लड़का मुझे काफी ज्यादा डेंजरस और अजीब सा लग रहा है और इसकी आंखें भी काफी ज्यादा घटिया हैं। फिर हिकी गायक की टीचर कहती है कि ये कोई भी गलत काम नहीं करेगा तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है और वो वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते कहती है अब मैं सब तुम पे छोड़े रही हूँ यूकी फिर गायक को उसकी कुछ पुरानी यादें याद आ जाती है जिसमे वो एक लड़की से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो लड़की उसे फ्रेंड जोन कर देती है और उसके बाद हिकी गायक कहता है की इस रोमांटिक कॉमेडी के ट्रैप में फिर से फंसने नहीं वाला उसके बाद हिकी गायक कहता है की वैसे भी लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ हॉट लड़के ही पसंद आते हैं और तभी यूकी कहती है की तुम खड़े क्यों हो बैठ जाओ उसके बाद हिकी गाय कहते हैं की मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कैसा क्लब है इस क्लब के पास कोई भी इक्विपमेंट वगैरह तो है ही नहीं तो यूकी कहती है कि तुम गैस करो लेकिन उसके बाद हिकी गाय कहता है कि मैं गैस नहीं कर पा रहा तुम ही मुझे बता दो उसके बाद यूकी कहती है की कि तुम्हें कितने साल हो गए एक लड़की से बात किए हुए उसके बाद हिकी गाय कहता है की अगर मेरी यादाश्त ठीक है तो मैंने शायद दो साल पहले जून में किसी लड़की से बात की थी ये सुनने के बाद यूकी उसे बताती है की इस क्लब का नाम है कम्युनिटी सर्विस क्लब हम यहाँ पे लोगों की मदद करते हैं जिन्हें भी हमारी जरूरत होती है और उसके बाद यूकी कहती है कि तुम्हारे यहाँ पे स्वागत और मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को ठीक कर दूंगी यूकी की बात सुन के हिकी कहता की मेरी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और मैंने जैपनी में तीसरा सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर किया है और उसके बाद यूकी कहती है कि तुम शायद अकेले इसलिए हो क्योंकि तुम्हारी पर्सनालिटी बहुत ही ज्यादा घटिया है और साथ ही साथ तुम्हारा एटीट्यूड भी और उसके बाद हमें दिखाया जाता है की उनकी टीचर असलियत में बाहर दरवाजे के खड़ी रहती है और बातें सुन रही रहती है इसी वक्त यूकी कहती है की इस वक्त चाहे मैं जो भी बोलू वो सब कुछ सच ही होगा उसके बाद यूकी कहती है की इतनी कन्वर्सेशन प्रैक्टिस ठीक है तुम्हारे लिए असल में यूकी हिकी गाय के साथ बहस इतनी देर से इसलिए कर रही थी ताकि उसकी प्रैक्टिस हो जाए कन्वर्सेशन की हिक्की गाय कहते है कि ऐसा नहीं कि मैं किसी से बात नहीं कर सकता बस मैं फालतू की बातों से बचता हूँ तभी वहाँ पे तो उनकी टीचर आ जाती है उसके बाद युकी कहती है कि अगर तुम चेंज नहीं होगे तो तुम सोसाइटी के लिए बहुत ही बुरे हो गए लेकिन कहता है की मैं चेंज नहीं होने वाला किसी के कहने से फिर एक गह कहता है की अगर मैं चेंज हो जाऊंगा तो मैं अपनी प्रॉब्लम और करेंट सिचुएशन ऐसी भाग रहा हूँ और तभी उनकी टीचर कहती है की हम लोग इसका फैसला एक कॉन्टेस्ट ऐसी करेंगे और उसके बाद उसकी टीचर कहती है की इस क्लब में जो भी अच्छा काम करेगा वही जीतेगा पहले तो यूकी मना कर देती है लेकिन उसकी टीचर उसके मना लेती है फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हिकी गया आता है क्लास के अंदर उसके बाद हेकी गया आता है और अपनी सीट के ऊपर वापस ऐसी बैठ जाता है फिर उन दोनों के बीच में एक छोटी सी बहस हो जाती है और यूकी कहती है की तुम कभी भी नहीं समझ सकते यूकी बोलना कंटिन्यू करती है और कहती है कि मैं बचपन से ही क्यूट थी हिककी गाय बीच में कहता है कि तुम्हें लोग पसंद करते हैं और तुम एक लोनर नहीं हो तुम तो एक लोनर की बेजती कहती है कि ये अच्छा होता अगर लोग मुझे भी पसंद करते हिकी गाय को कुछ भी समझ में नहीं आता तो वो पूछता की आखिर तुम कहना क्या चाहती हो उसके बाद यूकी बताती है की जब वो एलिमेंट्री स्कूल में थी तो उसके जो जूते रहते थे उन्हें साठ बार छुपाया गया था उनके हिककी गाया कहता है ये तो काफी ज्यादा बुरा था यूकी कहती है की इस दुनिया के अंदर कोई भी परफेक्ट नहीं होता लोगों के अंदर जले पैदा हो जाती है और वो एक दूसरे को गिराने में लग जाते हैं और युकी कहती है कि क्या ये सब गलत नहीं है फिर यूकी हिकी से कहती है कि तुमने जिस तरीके से अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट कर लिया है मैं उसे हेट करती हूँ क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकती हिकी सोचता है कि यूकी ब्लेस्ड है तब भी उसे इतना ज्यादा सफर करना पड़ रहा है उसके बाद हिकी सोचता है कि उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा ये छुपाना कि वो ब्लेस्ड है और एक कंफर्टेबल लाइफ जीनी एक नॉर्मल इंसान की तरह क्योंकि तो इस दुनिया के अंदर सभी लोग अपनी जिंदगी को ऐसे ही जीते हैं लेकिन जो यूकी है उसने ऐसा करने से मना कर दिया है और वो खुद से झूठ नहीं बोलने वाली फिर हिकी गाय सोचता है की यूकी और वो काफी सिमिलर है उसके बाद हिकी गाय कहता है की अगर तुम चाहो तो हम लोग लेकिन इससे पहले की हिकी गाय पूरी बात बोल पाता है यूकी बीच में ही उसे मना कर देती है लेकिन तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है और वो हिकी गाय ऐसी पूछती है की तुम कौन हो गाय तब उसे रिप्लाई करता है की मैं भी एक तरीके से इस क्लब का मेंबर हूँ उसके बाद यूकी बताती है कि तुम्हारा नाम यू है ना और तुम क्लास टू एफ की हो ना और उसके बाद वो कहती है हाँ ये सच है और उसके बाद वो भी आके एक चेयर के ऊपर बैठ जाती है उसके बैठने के साथ ही हिकी गाया और यूकी एक दूसरे से वापस से बहस करना शुरू कर देते हैं और तभी यू कहती है कि तुम हिकी गाया बोल रहे हो ये देख के मुझे काफी ज्यादा हैरानी हो रही है क्योंकि क्लास के अंदर तुम बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से रहते हो हिकी गाय यू को मना कर देता है और कहता है कि मुझे हिकी मत बुलाना और उसके बाद वो उसको बेवकूफ कह देता है ये सुन के वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके बाद कहती है की तुम हजर से ज्यादा बोल रहे हो उसके बाद सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है यूकी और यू दोनों ही अप्रैल में होती है और यूकी बताती है की यू को किसी के लिए कुकीज को बनाना है यही उसकी रिक्वेस्ट है और उसके बाद यू बताती है की ये सारी चीजें वो अपने दोस्तों के साथ नहीं करना चाहती थी उसके बाद यू बताती है की उसने हीरा सुखा सनशे से सुना था कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी विशेष को पूरा किया जाता है लेकिन तभी यूकी कहती है कि ऐसा नहीं है असलियत में हम लोग सिर्फ सिर्फ उनकी मदद करते हैं उनकी विशेष को पूरा करने में और उसके बाद यूकी ही की गाय को बताती है कि तुम्हें यहाँ पे सारी की सारी कुकीज को खाना है और उनको टेस्ट करके बताना है तभी हेकी गाय एक कुकी को उठाता है और उसके बाद कहता है कि ये इतनी बुरी बन कैसे सकती है उसके बाद हेकी गाय कहता है कि क्या मुझे इस पॉइजन को टेस्ट करना है उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो हेकी गाय रहता है वो जमीन के ऊपर बैठा रहता है और यूई से कहता है की तुम कभी भी दोबारा कुकिंग मत करना ये सुन के यू कहती है की शायद ये सच है की मैं कुकिंग नहीं कर सकती तभी यूकी कहती है की तुम अगर एफर्ट नहीं डालोगी तो तुम कभी भी अपनी प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकती इसके बाद यूकी कंटिन्यू करती है और कहती है कि क्या तुम अब बंद करोगी दूसरों तक पहुंचने की कोशिश करना और उनके जैसा बनना यूकी कहती है कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है अपनी गलतियां और बेवकूफियों को दूसरों के ऊपर डालना ये सब सुन के यू अपना सर नीचे कर लेती है और कहती है सो कूल उसके बाद यू कहती है कि ये सच में काफी ज्यादा कूल था ये के यूकी को काफी ज्यादा हैरानी होती है और वो कहती है कि इसको तो थोड़ा सा हार्श होना चाहिए था और उसके बाद यूकी कहती है कि तुम पूरी कोशिश करना मेरी कॉपी करने की और उसके बाद यू बना लेती है अपनी कुकीज लेकिन उसकी कुकी यू की कुकी से काफी ज्यादा अजीब दिख रही रहती है और जो हिकी गाय रहता है वो कहता है की तुम लोग क्यों कोशिश कर रही हो अच्छी कुकी बनाने की उसके बाद हिकी गाय कहता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ की होम कुकीज कैसे बनाते हैं वो काफी ज्यादा अजीब सी कुछ कुकीज को बना देता है और यूकी उसको टेस्ट करते हैं और वो कहते हैं की ये इतना बुरा भी नहीं है और तभी हिकी गाय बताता है की असलियत में ये तुम्हारी ही कुकीज है और उसके बाद यू कहती है की आखिर तुम कहना क्या चाहते हो और उसके बाद हिकी गाय कहता है की जो लड़के रहते हैं वो काफी ज्यादा से सिंपल से रहते हैं वो लोग बस इसी बात से खुश हो जाएंगे कि तुमने उनको हैंडमेड कुकी बना के दी है भले ही उनका टेस्ट अच्छा ना हो ये सुनके के यू ही उसके ऊपर मारने की कोशिश करती है और कहती है चुप रहो अगर तुम किसी लड़के को खुश करना चाहती है तो वो तुम्हें मेहनत करता देख के और अपना पूरा बेस्ट देता हुआ देख के ही खुश हो जाएगा यू ही कहती है की मुझे मेहनत करता देख और अपना बेस्ट देते हुए तुम्हें अच्छा लगा था? फिर हिकी उसे जवाब देता है हाँ मुझे भी ऐसा लगा था और मुझे हिकी मत बुलाना फिर यूकी यूई से कहती है कि अब तुम क्या करने वाली हो यूई बस उसे थैंक यू कह देती है और उसके बाद चली जाती है वहाँ और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमें दिखाया जाता है कि यूकी और हिकी गाय एक साथ बैठे रहते हैं यूकी कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि यू की रिक्वेस्ट हम लोगों ने सही तरीके से पूरी की उसके बाद हिकी गायक कहता है कि तुम कितना भी काम कर लो अगर तुम अपने सपने पूरे नहीं कर पाते और बहुत सारा एफर्ट करते हो तो भी तुम्हें काफी हद तक खुशी होती है और तभी वहाँ पे यू आ जाती है और यु आने के साथ कहती है की क्या यूकी तुम मुझे हेट करती हो यू उसका रिप्लाई करती है और कहती है कि मैं तुम्हें हेट नहीं करती लेकिन मैं तुम्हें पसंद भी नहीं करती उसके बाद यूकी यूई से पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए और यूकी कहती है कि मैं पिछले हफ्ते के लिए तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ और वो अपने बैग के अंदर से एक कुकी का पैकेट निकाल के यूकी को दे देती है और उसके बाद यूई कहती है कि हो सकता है आगे चल के मैं लंच बनाने की कोशिश करूंगी ये उनके यूई कहती है कि मैं अपने हाथों का बना लंच ही खाना पसंद करती हूँ और हिकी गाय उस क्लासरूम से बाहर निकल जाता है तभी वहाँ पे यूई आ जाती है और उसको एक और वो उसे एक दूसरा कुकी का पैकेट दे देती है और कहती है तुमने भी मेरी काफी ज्यादा मदद की थी और जो एपिसोड का लास्ट सीन रहता है उसके अंदर हमें दिखाया जाता है की हिकी गाय उसी कुकी को खा रहा रहता है मैंने इस एपिसोड को एक्सप्लेन करने में काफी ज्यादा मेहनत की है तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसके बाकी के एपिसोड में जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूँगा तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में